हेलो। हेलो। हानिया बोल रही हूँ दानी साहब। जी मिस सानिया। दोपहर से परेशान थी, सोच रही थी कि आपको बताऊं या रहने दूं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। प्रॉब्लम है दानी साहब, योर एक्स वाइफ इज अ प्रॉब्लम। क्या हुआ? आज वो रूमी से मिलने स्कूल आई थी और चाहती थी कि छुट्टी के बाद उसको अपने साथ ले जाएंगी, लेकिन मैम ने मना कर दिया तो सीखपा हो गई। फिर मान गई कि चलो मैं रूमी से मिल लेती हूँ, लेकिन रूमी नहीं माना। नहीं माना? नहीं मिला उससे? मगर जी ये तो अच्छी बात नहीं है। महविश उसकी माँ है, उसे मिलना चाहिए था उससे। यही जानने के लिए तो मैंने फोन किया है दाने साहब, कि अपनी माँ से मिलने का फैसला रूमी खुद करेगा या उसकी माँ का हस्बैंड। मतलब? मतलब साफ है दानी साहब, अगर वो नहीं मिलना चाहता तो उसको जबरदस्ती मजबूर ना किया जाए। मैंने थोड़ी देर पहले उसके हॉस्टल में वार्डन से बात की है, शाम 5 बजे से वो सो रहा है। मालूम है इस तरह के बच्चे क्यों जल्दी सो जाया करते हैं? क्यों सो जाते हैं? क्योंकि वो डरते हैं, वो भूलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो कुछ भी करे मिस सानिया, उसको अपनी माँ से मिलना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं उसकी अगली प्रोग्रेस रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। आपका बच्चा इसी तरह डरता रहेगा और डरे हुए बच्चे कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। हेलो। अरे यार, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हो? कौन? हाँ, तो ये भी मालूम नहीं कि मैं कौन बोल रहा हूं। जवाहर साहब, बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? अरे बंद करो ये ड्रामेबाजी, बोलो कितने पैसे दे दूं कि तुम इस तरह की बौंदी हरकतें करना बंद कर दो। क्या किया मैंने? तो महवेश को उसके बेटे से मिलने क्यों नहीं देते? अरे नहीं नहीं शहबार साहब, खुदा की कसम मैंने उसे नहीं रोका। मुझे अभी भी खबर मिली कि ये मिलने गई तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने स्कूल वालों से कहा है कि ये उसने अच्छा नहीं किया। देखो मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूं। थर्ड डे इन दोनों की मुलाकात हो जानी चाहिए, वरना मेरे वकील तुम्हारे कपड़े नोच लेंगे। ये भरम था मेरे पास तुम हो।